प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 18 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, रात को जो अच्छी नींद दी पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, स्तुति हो पिता। प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी करुणा से हम आज जगे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया पिता, हम आपके आराधना करते हैं, आपकी ही स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद, आपको ही सारा महिमा, सारा आदर मिले, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, क्योंकि आप ही अच्छे, भले, आपकी विश्वास योग्यता हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 54:4 में कहते हैं, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों को, वालों के संग है। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया, और 6वां वचन कहता है, मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमें हर एक दुखों से छुड़ाता है। इसलिए हाथ उठाकर कहे, मेरा परमेश्वर मुझे हर एक दुखों से छुड़ाता है। आमेन, हालेलुया, और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, आपने अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके धन्यवाद पिता। सुबह आपके आवाज को सुनने में आपने हमें ये मौका दिया, उसके धन्यवाद पिता। आप हमें अद्भुत तरीके से जैव यीशु मसीह में हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन व्यक्तिगत तौर से आशीषित रहे। हालेलुया, हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका व्यापार आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनके हर एक बंधन आशीषित रहे। प्रभु आप इनके ऊपर एक बड़ा एक चिन्ह, प्रभु आपके आशीष का आप इनके ऊपर उंडेल रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, चंगाई आने और यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने अपनी चंगाई की शक्ति इनके बच्चों के जीवन में आपने भेजा, उसके लिए धन्यवाद। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जो पीड़ित है, जो उनके जोड़ों में जो दर्द से जो पीड़ित है, जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई और स्वास्थ्य घोषित करते हैं। हालेलुया पिता, धन्यवाद। आपने उनके जोड़ों में जो चंगाई भेजी, उसके लिए धन्यवाद। उनके हड्डियों में आपने जो चंगाई भेजी, उसके लिए धन्यवाद पिता। और पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से उनके हड्डियों में घोषित करते हैं। जो उनकी उंगलियां जो मुड़ गई है, यीशु मसीह के नाम से वो सीधा हो जाए। हालेलुया, जो जोड़े जो मुड़ गई है, टेढ़े हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आर्थराइटिस के स्पिरिट को अभी के अभी उसमें से बाहर निकालते हैं, उनके शरीर से पूर्ण तरीके से छुटकारा घोषित करते हैं, कि ये स्वतंत्र रहे और पूर्ण आरोग्य और स्वर्गीय स्वास्थ्य उनके शरीर में हो। हालेलुया,
पिता, धन्यवाद पिता, आपने जो ऐसे चमत्कार जो किया है इनके जीवन में उसके लिए धन्यवाद, कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए वो दर्द के बारे में भूल जाए और जो सूजन है वो सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी सूजन से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य मिले। हालेलुया पिता, आपने जो अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको नौकरी दे के आशीषित करें, आर्थिक विषय में प्रभु छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह में आशीषित रहने में और आनंदित होने में आप में ही आशा उनकी बनी रहने में आप सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, और हर एक कलीसिया के हर एक जन को, हर एक सेवकाई करने वालों को, हर एक अभिषिक्तों के लिए धन्यवाद दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो भी सेवकाई करते हैं प्रभु, प्रभु आप उनको बलवंत करें, आप अपने संरक्षण उनको दे पिता, आपकी महिमा को आप प्रदर्शित करते हैं उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर ने हमारे कल के मीटिंग को भी बहुत आयत से आशीषित किया, हमसे बात किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। और कल शाम को वापस मीटिंग रहेगा और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें एक और मौका मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयारी से उसके भागी बने। हालेलुया, और आप अपने प्रियजनों को भी आमंत्रित करें। हालेलुया, ताकि वो भी परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सके। हालेलुया आमेन। निश्चित तौर से पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे और अभी भी पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। पहले पत्रस की किताब 2 अध्याय और उसका 6वां वचन, उसमें ऐसे लिखा गया है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, और अगर हम ये वचन यशायाह की किताब में भी अगर देखें तो वहां पर यहोवा ऐसे कहते हैं कि सियोन में जो कोने के सिरे में चुना हुआ और जो परखा हुआ जो पत्थर है वो कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने स्थापित किया है, और जो विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे, जो विश्वास हैं परमेश्वर उनको कभी लज्जित होने नहीं देते हैं। हालेलुया आमेन। इसलिए अलग अलग विषय अगर हमारे जीवन में आता है, आप भय भी ना हो, आप ये ना सोचे कि अब क्या होगा कैसे होगा। नहीं मेरे प्रिय लोग, जब भी कोई विषय आता है तो भी हमें अगर वो एक भय या किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो भी हम वचन की ओर देखें, और वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की ओर जो दृष्टि लगाते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते, लेकिन उनका चेहरा सिर्फ प्रकाशित होता है, रोशनी मय होता है। इसलिए धन्यवाद दे। अब हम ये वचन को कैसे अपने जीवन में अभ्यासित करते हैं वो हमें सीखना है। हालेलुया, हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी अवस्थाएं आते हैं जब लोग हमसे कहते हैं कि तुम लज्जित हो जाओगे, तुम्हारा जो सिर है वो झुक जाएगा। जैसे कि हम एलिशा के जीवन में भी देखते हैं, वचन में देखते हैं कि एलाइजा जब जाते हैं, उसके बाद एलिया के पीछे पीछे एलिशा जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम लज्जित हो जाओगे उसके पीछे जाओगे तो भी, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी लज्जित होने नहीं दिया और क्या हुआ, दुगना अभिषेक मिला। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हमसे कोई भी कहे, हमारी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो और लोग हमसे कहे कि तुम लज्जित हो जाओगे, तुम्हें बहुत सारी परेशानी आएगी, तो भी हम विश्वास करें परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम लज्जित नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। मेरे प्रिय लोग, अगर हम देखें यीशु मसीह ने कैसे अपने हर एक परेशानियों में हर एक परिस्थिति को जीता। हालेलुया, उन्होंने 40 दिन जब वो उपवास में थे, उसके बाद शैतान जब उनको वहां पे परखने आते हैं तो वो कैसे उस पे जयवंत होते हैं, वचन को घोषणा करके कि वचन में लिखा गया है, वचन में लिखा गया है। हालेलुया, और जो वचन में लिखा गया है वो जब घोषित किया, वहां पर यीशु मसीह जयवंत हुए। इसलिए जब वचन में लिखा गया है कि हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, हम कभी लज्जित नहीं होंगे, तो हम अपनी परिस्थितियों को देखकर हम यही घोषणा करें कि ये लिखा गया है, वचन में लिखा गया है कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा, लिखा हुआ है। हालेलुया, और मेरे पिता के वचन में कोई बदलाहट नहीं आ सकती, हमारा धरती बदल जाए, ये भूमि निकल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। विश्वास जो करते हैं
हैं वो कोई लज्जित नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ उनका चेहरा प्रकाशित होता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जो रक्त से जो बहाव 12 साल से जो पीड़ित स्त्री थी, उन्होंने विश्वास किया कि वो यीशु मसीह के कपड़े में भी अगर छू लेगी तो उसको चंगाई मिलेगी, और उन्होंने जब छुआ उनको पूर्ण चंगाई मिली। हालेलुया। भले वो कितने सालों से वो हर एक वैद्य के पास जाके बहुत कोशिश किया, लेकिन उन सब के ऊपर जब विश्वास किया कि परमेश्वर के पास वो जाएगी, यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लेगी तो उसको छुटकारा मिलेगा, और वैसा के वैसा हुआ। मेरे प्रिय लोग, वो कभी भी लज्जित नहीं हुई। हालेलुया। पिछले 12 साल वो हर एक आशा उसकी टूटी हुई और वो हमेशा लज्जित होती जा रही थी हर जगह जाकर, लेकिन परमेश्वर में जब विश्वास किया उसने और उसको तभी की तभी चंगाई मिल गई। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, जो विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। हाथ उठाकर कहे, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं लज्जित नहीं हूंगा। हालेलुया। अगर आप अपने परिस्थिति पे यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसमें परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे। इसलिए मनुष्य शायद हमसे कहेंगे कि आपके इस विषय में आप लज्जित हो जाएंगे, आपके बच्चे के विषय में आप लज्जित हो जाएंगे, या आपको निंदा सहनी पड़ेगी, या आपको मानसिक तौर से आपको ऐसी सोच आती होगी कि लज्जित हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की बात वहां पे घोषणा करें कि वचन में लिखा गया है कि मैं लज्जित नहीं हूंगा। हालेलुया। आमीन। फिर से कहे, मैं लज्जित नहीं हूंगा। इसलिए कोई भी विषय हो वहां पर उसको देखकर आप घोषणा करें कि मैं लज्जित नहीं हूंगा। आपके बच्चों की शादी हो वहां पर बोले कि आप लज्जित नहीं होंगे। आपके काम का विषय हो आप विश्वास से कहे, आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करते हैं आप कभी लज्जित नहीं होंगे, और परमेश्वर के आगमन में हम उनके साथ उठाए जाएंगे, तुरही बजेगी और वो मध्य आकाश में नीले आसमान में आकर हम उनके साथ लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ जो आशा में जो भरे हुए लोग हैं उनको कभी भी परमेश्वर आशा उनकी टूटने नहीं देंगे। परमेश्वर कभी भी उनको लज्जित होने नहीं देंगे। वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने रोग को देख के, आपकी परिस्थिति को देख के, हर एक चीज को, आपकी परेशानी को देख के आप कहे कि तुम लज्जित हो जाओगे, लेकिन मुझे जो लज्जित करने आने वाली हर एक विषय, वो विषय खुद लज्जित हो जाएगा, लेकिन मैं लज्जित नहीं हूंगा। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे इस वचन के लिए, और कहे, मैं लज्जित नहीं हूंगा, मैं लज्जित नहीं हूंगा, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीषित करे। मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।